नमस्कार। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह आज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि आखिर सेक्शन 124 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडेमनिटी की क्या डेफिनेशन दे रहा है। इसके बाद इंडेमनिटी इंग्लिश लॉ में किसे कही जाती है, क्या होता है इंडेमनिटी इंग्लिश लॉ में, और क्यों विद्वानों ने यह माना है कि इंग्लिश लॉ में जो इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट है वो इंडियन लॉ की तुलना में ज्यादा वाइडर है। इसके बाद आएंगे कि राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर क्या है, जिसे सेक्शन 125 डिफाइन करता है, कि जिस व्यक्ति के पास इंडेमनिटी है वो व्यक्ति इंडेमनीफायर से, जिसने उसे इंडेमनिटी दी है, उससे क्या क्या डिमांड कर सकेगा, इसको देखेंगे। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो या तो आपसे मेंस में पूछा जाएगा या इंटरव्यू में, वो ये कि आखिर जो इंडेमनिटी होल्डर है वो इंडेमनिटी फायर से इंडेमनिटी की डिमांड कब कर सकेगा। अब यहां पर काफी झगड़ा है। इंग्लैंड में कॉमन लॉ का कुछ और कहना है। कॉमन लॉ ने कहा कि जब तक इंडेमनिटी होल्डर जो है वो लॉस को सस्टेन नहीं करेगा, बियर नहीं करेगा, तब तक वो इंडेमनिटी फायर से क्लेम नहीं कर सकता है। अब इससे होने लगा ग्रॉस, एक तरीके से कहिए कि ग्रॉस इनजस्टिस होने लगी, तो वहां पर इक्विटी कोर्ट्स ने रास्ता निकाला। अब इंग्लैंड में इक्विटी कोर्ट्स सामने आ गई और उन्होंने इंडेमनिटी होल्डर को सेव किया। अब इसके बाद जब हम इंडियन कोर्ट्स में आते हैं तो यहां पर भी हमें हाई कोर्ट्स में वही डाइवर्जन देखने को मिलता है। नागपुर और लाहौर हाई कोर्ट जो है वो चली जाती है कॉमन लॉ के साथ, जबकि अगर इलाहाबाद को देखें, कलकत्ता को देखें, मुंबई को देखें, मद्रास को देखें, तो ये हाई कोर्ट जो है वो सपोर्ट करने लगी इक्विटी कोर्ट्स के बनाए हुए रूल्स को। इस सारे झगड़े को समाप्त किया एक केस आई गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन की, और यहां आते हैं जस्टिस छागला। तो जस्टिस छागला का क्या डिसीजन है, और अगर आप 124 पर अपना आंसर लिख रहे हैं 124-25 पर और आपने मोरेश्वर मदन वाली केस नहीं लिखी है तो आपका आंसर बिल्कुल अधूरा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो जस्टिस छागला के डिसीजन को जरूर पढ़िए, गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन के केस में जस्टिस छागला ने क्या कहा, और जो चीज जस्टिस छागला ने रखी उसी बात को सपोर्ट कर गई लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124-125 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कहते किसे हैं, क्या है। अगर हम इंडेमनिटी की बात करें तो इंडेमनिटी का मतलब क्या, इंडेमनिटी का मतलब है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। अब जरा इंग्लिश लॉ को देखिए। अंडर इंग्लिश लॉ इफ अ पर्सन प्रॉमिस टू अनदर पर्सन टू पे इफ अदर पर्सन बियर लॉस देन सच एग्रीमेंट इज इंडेमनिटी। अब इसे समझिए, इंग्लिश लॉ का क्या कहना है, इंग्लिश लॉ कह रहा है कि ए जो है वो बी को क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है। किस चीज की प्रॉमिस कर रहा है कि इफ बी बियर लॉस देन आई विल पे यू 10 लाख रुपीज। अब देखिए, ए ने बी को क्या प्रॉमिस किया, इंग्लिश लॉ का कहना है कि ए जो है वो बी को प्रॉमिस कर रहा है कि अगर बी को नुकसान होता है किसी भी कारण से, आग लगने के कारण नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट होने जाने के कारण नुकसान हो जाता है, प्रॉमिसर के अपने बिहेवियर के कारण नुकसान हो जाता है, किसी तीसरे आदमी के बिहेवियर के कारण नुकसान हो जाता है, किसी भी कारण से अगर प्रॉमिसी को लॉस होता है तो प्रॉमिसी को ए 10 लाख रुपए प्रोवाइड करेगा। यहां पर यह नहीं बताया गया, इंग्लिश लॉ में यह कॉन्सेप्ट नहीं आया कि कारण क्या होगा, वो सारी चीजों को कंपोजिट कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। वहां सिंपल सा फंडा यह है कि अगर एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को प्रॉमिस करता है कि अगर तुम्हें नुकसान होगा तो मैं उसे बियर कर लूंगा, लिमिट लगा देता है, जो भी कहता है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं जब हम इंग्लैंड को देखते हैं। अब जरा इंडिया में आ जाइए, इंग्लिश लॉ का हो गया, अब इंडियन लॉ क्या कहता है। इंडियन लॉ में सेम चीज समझिएगा, ए प्रॉमिस कर रहा है बी को, यहां पर क्या हो रहा है कि इफ बी बियर लॉस
ड्यू टू बिहेवियर ऑफ ए और थर्ड पर्सन। देखिए भारत में क्या है, सेक्शन 124 को जब आप पढ़ते हैं तो ये लिखता है कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मींस ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव अदर पर्सन फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ। कंडक्ट मतलब बिहेवियर ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ द एनी अदर पर्सन मतलब थर्ड पर्सन। अब देखिए अब कंपेरिजन कर लीजिए इंग्लैंड और इंडिया का। भारत में सेक्शन 124 एक कह लीजिए कि अगर आप बात करें, अगर हम इसे कहें कि ये इंग्लिश लॉ है तो इसके अंदर ये कहीं मूव कर रहा है इंडियन लॉ, और ये कॉन्सेप्ट है आपका इंग्लिश लॉ का इंडेमिटी का। इंडियन लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है, छोटा है, और ये किस बात को सेंट्रलाइज करता है, केवल इस बात को सेंट्रलाइज कर रहा है कि यहां जो प्रोमिसी है अगर उसे होने वाला नुकसान प्रोमिसर के बिहेवियर के कारण, प्रोमिसर के कंडक्ट के कारण है या किसी थर्ड पार्टी के कंडक्ट के कारण है, ऐसे सर्कमस्टांस में ही हम इसे कहेंगे कि ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि हमारे यहां जितने भी इंश्योरेंस हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, मैराइन इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, उन्हें सेक्शन 124 कवर नहीं करता है। किस बात में, इंडेमनिटी के केस में। लेकिन जब आप इंग्लैंड को देखेंगे तो इंग्लैंड में लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ दीजिए, बाकी जितने तरीके के इंश्योरेंस आप सोच सकते हैं, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ये सारे इंश्योरेंस वहां इंडेमनिटी के रूप में ट्रीट किए जाते हैं, इंडेमनिटी माने जाते हैं। इतना है आपका सेक्शन 124 में। भारत में और इंग्लैंड में इसका क्या अंतर है ये आपने देखा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 125। अच्छा यहां एक चीज और आपको बता दें कि यहां ये पर्सन जो कि इंडेमनिटी दे रहा है इसे आप क्या कहेंगे, प्रोमिसर को, इसे आप प्रोमिसर कहते हैं। प्रोमिसर को एक और नाम यहां दिया जाता है, वो है इंडेमनिटी फायर देने वाला, और इसे क्या कहेंगे, इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी जिसके दी जा रही है, जिसको दी जा रही है वो होल्डर है, और जो दे रहा है वो इंडेमनिटी फायर है। अब यहां सेक्शन 125 कहेगा कि बी को क्या राइट होंगे, प्रोमिसी को क्या राइट होंगे, इंडेमनिटी होल्डर को क्या क्या राइट मिलेगा, मतलब वो क्या क्या चीजें क्लेम कर सकता है इंडेमनिटी फायर से। ये बंधु यहां पर लायबिलिटी ले रहे हैं तो ये बंधु से वो क्या क्या डिमांड कर सकेगा, इसे डिस्कस कर रहा है सेक्शन 125। आइए अब 125 पे चलते हैं। सेक्शन 125 की अगर बात करें तो इसे राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर कह लीजिए। यहां पर जब आप देखेंगे तो तीन राइट्स मिलेंगे। इंडेमनिटी होल्डर जो है इंडेमनिटी फायर से क्या क्या क्लेम कर सकेगा, तो सबसे पहला जो क्लेम कर सकेगा वो ऑल डैमेजेज होगा, ऑल कॉस्ट होगा, और उसके बाद ऑल सम्स पे इन कॉम्प्रोमाइज, अगर कोई कॉम्प्रोमाइज होता है तो। अब क्या है इसको देख लीजिए, मतलब सेक्शन 125 का कहना है कि ये तीन तरीके के पेमेंट्स इंडेमनिटी होल्डर जो है इंडेमनिटी फायर से क्लेम कर सकेगा। कौन कौन से, सबसे पहले आइए ऑल डैमेजेस का क्या मतलब। कहता है ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच प्रॉमिस टू इंडेमनिटी अप्लाइज, मतलब जिसपे इंडेमनिटी को लेकर के जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसको लेकर कोई मुकदमा होता है तो उस मुकदमे में जो भी डैमेजेस इंडेमनिटी होल्डर को बियर करनी पड़ी वो सारा वो इंडेमनिटी फायर से क्लेम कर सकेंगे। पहली बात। नंबर सेकेंड ऑल कॉस्ट। अब कॉस्ट का मतलब आप समझते हैं खर्च की बात है। अब इंडेमनिटी होल्डर या तो मुकदमा ला रहा है या उसके ऊपर मुकदमा किया जाएगा तो वो क्या करेगा, अपने आप को डिफेंड करेगा, तो
तो मुकदमे को लाने में या मुकदमे को डिफेंड करने में जितना भी कॉस्ट बियर होगा, जितना भी कॉस्ट उठेगा, वो सारा कॉस्ट अगर इंडेमनिटी होल्डर ने अपनी अथॉरिटी के अंतर्गत किया है तो वो इंडेमनिटी फायर से क्लेम कर सकेगा। देखिए क्या कहता है, ऑल कॉस्ट विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन सच सूट इफ इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग, लाने में या बचाव करने में, ही डिड नॉट कंट्रवेंट द ऑर्डर्स ऑफ द प्रोमिजर, प्रोमिजर का मतलब इंडेमनिटी फायर, एंड एक्टेड एज इट वुड हैव बीन prudent for him to act in the absence of any contract of indemnity or if the promisor authorized him to bring or defend the suit। मतलब अब यहां समझिए, वो सारे कॉस्ट जो कि इंडेमनिटी होल्डर मुकदमे को लाने में या मुकदमे को बचाने में, अपना डिफेंड करने में खर्च कर रहा है, जो अगर इंडेमनिटी की ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, अगर प्रोमिसर ने कोई गैर मतलब इनको इंडेमनिटी नहीं दी होती, ऐसी सरकमस्टांसेस में वो अपना मुकदमा लाने या अपने ऊपर मुकदमा होने में, डिफेंड करने में जितनी कॉस्ट बियर करते, तो वो सारी कॉस्ट वो डिमांड कर सकते हैं, आस्क कर सकते हैं इंडेमनिटी फायर से। तो पहला हो गया कि डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, दूसरा है ऑल कॉस्ट क्लेम कर सकते हैं। अब जरा तीसरे पे आ जाइए, अगर उस मुकदमे को लाने में या मुकदमे को डिफेंड करने में इस प्रोसेस में कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो उस कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन में जो कुछ भी वो पे करेंगे, जो भी सम्स वो पे कर रहे हैं इंडेमनिटी होल्डर, उसको वो क्लेम कर सकते हैं इंडेमनिटी फायर से। देखिए क्या कहता है, ऑल सम्स विच ही मे हैव पेड, ही का मतलब इंडेमनिटी होल्डर की बात हो रही है, ऑल सम्स विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी सूट of any such suit if the compromise was not contrary to the orders of the promisor and was one which would have been prudent for the promisee to make in the absence of any contract of indemnity or if the promisor authorized him to compromise the suit। मतलब जहां पर इंडेमनिटी की यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती या प्रोमिसर उन्हें अथोराइज नहीं किया होता कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, ऐसी सर्कमस्टांसेस में अगर कोई भी प्रूडेंट माइंड, कोई भी प्रूडेंट पर्सन कॉम्प्रोमाइज में जाता, तो उस कॉम्प्रोमाइज के दौरान दिया जाने वाला जितना भी सम्स होगा, वो सारे सम्स को इंडेमनिटी होल्डर क्लेम कर सकेगा इंडेमनिटी फायर से। तो सेक्शन 124 में हमने देखा कि यहां पर प्रोमिसर के अपने कंडक्ट से या दूसरे व्यक्ति के कंडक्ट से अगर प्रोमिसी को नुकसान होगा, तो प्रोमिसर ये यहां पर एश्योर कर रहा है कि मैं आपको आपका वो नुकसान बियर करूंगा, इसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कह रहे हैं। अब इंडेमनिटी में दो लोग आए, जो वादा कर रहा है वो इंडेमनिटी फायर है, जिसको कर रहा है वो इंडेमनिटी होल्डर है। इंडेमनिटी होल्डर के पास राइट आएगा, इंडेमनिटी फायर के पास लायबिलिटी आएगी। राइट में क्या वो क्लेम कर सकेंगे, 125 कहता है तीन चीजें क्लेम कर सकेंगे, सारे डैमेजेस क्लेम कर सकेंगे, मुकदमे को लाने या डिफेंड करने में जो कॉस्ट है वो ले सकेंगे, वो डिमांड कर सकेंगे, आस्क कर सकेंगे। नंबर थर्ड, अगर कोई कॉम्प्रोमाइज होता है या उन्हें करनी पड़ती है, तो ऐसे सर्कमस्टांस में जो भी सम्स वो पेड करेंगे, उसे भी वो इंडेमनिटी फायर से क्लेम कर सकेंगे। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पर, वो प्रश्न क्या है। यहां आपने देखा कि इंडेमनिटी होल्डर कब क्लेम कर सकेंगे, क्या क्या क्लेम कर सकेंगे। अब प्रश्न उठता है कि वो ये क्लेम कब कर सकेंगे। अब यहां पर समझिए, देखिए यहां होता क्या है, मान लीजिए इंडेमनिटी होल्डर को लॉस बियर करना पड़ता है। प्रश्न है कि क्या इंडेमनिटी होल्डर लॉस को जब तक एक्चुअली बियर नहीं करेंगे, बिना लॉस को एक्चुअली बियर करे, क्या वो क्लेम कर सकते हैं इंडेमनिटी फायर से कि आप जो है इंडेमनिटी हमें दे दीजिए, या पहले उन्हें लॉस बियर करना पड़ेगा उसके बाद ही वो क्लेम कर सकेंगे। इसी का आंसर ये तीसरे क्वेश्चन में आता है। अब देखिए इंग्लैंड की अगर आप बात करेंगे, तो इंग्लैंड में कॉमन लॉ का एक प्रिंसिपल रहा, पहले इंग्लैंड को देख लीजिए फिर भारत में आते हैं। अगर इंग्लैंड में देखें तो सबसे पहले जो वहां के कॉमन लॉ की बात करें,
कॉमन लॉ का कॉन्सेप्ट है कि फर्स्टली यू बियर, फर्स्टली यू एब्सॉर्ब, बल्कि कहिए देन यू कैन क्लेम। मतलब कॉमन लॉ का ये कहना है कि जब तक इंडेमनिटी होल्डर ने लॉस को बियर नहीं किया, एब्सॉर्ब नहीं किया, तब तक वो इंडेमनिटी फायर से क्लेम नहीं कर सकता है। अब इसमें होता क्या था कि इसमें काफी नुकसान होने लगा, काफी ग्रॉस इनजस्टिस होने लगी। अब मान लीजिए कि इंडेमनिटी होल्डर के पास पैसे ही नहीं है कि वो उस लॉस को बियर कर सके। अब क्या है, तो ऐसी इंडेमनिटी का क्या फायदा है कि इंडेमनिटी फायर जो है वो कहे कि नहीं पहले आप लॉस को एब्जॉर्ब कीजिए तभी आप क्लेम कर सकेंगे। तो इस ग्रॉस इनजस्टिस को, इस ग्रॉस इनजस्टिस को रिप्लाई किया, इस ग्रॉस इनजस्टिस को टैकल किया, हैंडल किया वहां की इक्विटी कोर्ट्स ने। अब इक्विटी कोर्ट्स का क्या कहना है, इक्विटी कोर्ट्स ने यह कहा इंडेमनिटी होल्डर कैन आस्क व्हेन देयर लायबिलिटी बिकम्स एब्सोल्यूट। देखिए इक्विटी कोर्ट्स एक कदम आगे बढ़ती है और कहती है कि इंडेमनिटी के कॉन्सेप्ट का एसेंस क्या है। एसेंस है इंडेमनिटी होल्डर को लॉस से बचाना। तो अगर ये सर्टेन हो जाए कि इंडेमनिटी होल्डर की लायबिलिटी अब होनी ही होनी है, बननी ही बननी है, तो व्हेन इट्स देयर लायबिलिटी बिकम्स एब्सोल्यूट, जब उसकी लायबिलिटी बिल्कुल अब फिक्स हो गई, एब्सोल्यूट हो गई है, तो इसके पहले कि वो रियली उसे एब्जॉर्ब करे, इसके पहले भी वो क्लेम कर सकता है इंडेमनिटी फायर से, इंडेमनिटी की डिमांड कर सकता है। ये बात हो गई इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कॉमन लॉ एक सिस्टम में चला, इसका जवाब दिया इक्विटी कोर्ट्स ने, चांसरी कोर्ट्स ने। अब जरा भारत में आ जाइए, भारत में क्या होगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हाई कोर्ट्स दो पार्ट में डिवाइड कर जाती है। एक तरफ आ जाइए, एक तरफ आती है लाहौर, लाहौर के साथ आ जाइए नागपुर। लाहौर और नागपुर की हाईकोर्ट ने सपोर्ट किया कॉमन लॉ को। इन्होंने कहा कि पहले आप बियर करेंगे तभी आप क्लेम कर सकेंगे, जबकि दूसरी ओर इलाहाबाद, इसके बाद मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, चलिए मद्रास आ गया, ये सारे लोगों ने सपोर्ट किया इक्विटी को। इन्होंने कहा कि जब आपकी लायबिलिटी एब्सोल्यूट हो जाती है उस समय भी आप क्लेम कर सकते हैं इंडेमनिटी फायर से इंडेमनिटी। अब इस पर सबसे लीडिंग केस आती है गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन की, 1942 का जजमेंट है और जस्टिस है जस्टिस छागला। यहां तक क्लियर। अब इसके बाद आते हैं गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन। गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन 1942 और जस्टिस हैं जस्टिस छागला। देखिए इन्होंने क्या कहा, ये गए इक्विटी कोर्ट्स के साथ और इन्होंने जो कोटेशन दी है उसे मैंने जो कॉपी हूं यहां ले आया हूं उसे आप देख लीजिए। जस्टिस छागरा हेल्ड दैट इक्विटी कोर्ट्स स्टेटेड दैट इफ द इंडेमनिटी होल्डर लायबिलिटी बिकम्स एब्सोल्यूट देन इंडेमनिटी होल्डर वॉज एंटाइटल्ड आइदर टू गेट द इंडेमनिटी आइदर टू गेट बाई द इंडेमनिटी फायर टू पे ऑफ द क्लेम और पे इन टू द कोर्ट sufficient money which would constitute a fund for paying off the claim whenever it was made। मतलब ये इक्विटी कोर्ट्स ने यह कहा कि जब indemnity होल्डर की लाइबिलिटी एब्सोल्यूट हो जाए तो वो सीधे सीधे डिमांड कर सकेगा indemnity फायर से कि या तो आप
इंडेमिटी की जितनी आपकी अमाउंट है वो पे कर दीजिए, या इतना अमाउंट पे कर दीजिए कि मेरी लायबिलिटी एब्जॉर्ब हो जाए, मेरी लायबिलिटी समाप्त हो जाए। अब यहां जस्टिस छागला कहते हैं कि सेक्शन 124 एंड 125 इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर, सो इफ इंडेमिटी होल्डर हैज इनकर्ड ए लायबिलिटी एंड दैट लायबिलिटी इज एब्सोल्यूट, ही इज एंटाइटल्ड टू कॉल अपॉन द इंडेमनिफायर टू सेव हिम फ्रॉम दैट लायबिलिटी एंड टू पे इट ऑफ। मतलब भारत भी चला गया इक्विटी कोर्ट्स के साथ, और यहां पर यह कॉन्सेप्ट जस्टिस छागला ने लिखा कि इंडेमनिटी होल्डर उस लॉस को रियली एब्जॉर्ब करने के पहले भी इंडेमनिटी फायर से आस्क कर सकता है। क्या क्या आस्क कर सकता है 125 में, जो तीन चीजें बताई गई, सारे डैमेजेस की बात, कॉस्ट की बात, और अगर कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन आती है तो कॉम्प्रोमाइज में जो पेमेंट करना पड़ेगा, जो करना पड़ा उसकी डिमांड वो कर सकते। अब आइए कि यहां जो जस्टिस छागला का कमेंट आया, जो जस्टिस छागला ने डिसीजन दिया, लॉ कमीशन इन इट्स 13th रिपोर्ट इन ईयर 1958। अब आइए लॉ कमीशन की रिपोर्ट आती है, लॉ कमीशन रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट का नंबर है 13, कब आई 1958 में लॉ कमीशन ने अपनी 13th रिपोर्ट दी, और वहां पर भी उन्होंने जस्टिस छागला का जो स्टेटमेंट था, जस्टिस छागला का जो डिसीजन था, उसे वो सपोर्ट करते नजर आए। उन्होंने कहा कि हाँ, इंडेमनिटी होल्डर जो है वो रियली एब्जॉर्ब करे लॉस को, इसके पहले वो इंडेमनिटी फायर से क्लेम कर सकता है। तो इतनी बातें हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को लेकर। उम्मीद करता हूं कि सेक्शन 124, 125 आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। कॉन्ट्रैक्ट की अपने लेक्चर सीरीज में अगला जो लेक्चर लेके आऊंगा वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को लेकर होगा। अभी तक आप कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, लेकिन अब एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की चर्चा आपके सामने रखेंगे जहां दो नहीं बल्कि तीन पार्टीज होंगी। जी, देयर आर थ्री पार्टीज इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो गारंटी के अपने लेक्चर को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।